केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएफआई का एनआईए छापेमारी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन, बंद के दौरान गाड़ियों में की तोड़फोड़, ऑटो और कार के शीशे तोड़े। कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर के करीब पेट्रोल बम से हमला, पीएफआई कार्यकर्ताओं पर आरोप, गनीमत रही नहीं फटा पेट्रोल बम, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। कोयंबटूर में हमले के बाद बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, पीएफआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कोल्लम में पीएफआई के बंद के दौरान बस पर हुआ हमला, कोट्टायम में पीएफआई ने किया प्रदर्शन, एनआईए कार्रवाई का किया विरोध। पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की छापेमारी, 15 राज्यों में 150 से ज्यादा जगहों पर रेड में 106 की गिरफ्तारी। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 45 लोगों को किया गिरफ्तार, अन्य 61 की ईडी और राज्य की पुलिस ने की गिरफ्तारी। एनआईए के एक्शन में सबसे ज्यादा केरल में 19 गिरफ्तारियां, तमिलनाडु में 11, केरल में 7, कर्नाटक में 4, आंध्र प्रदेश और यूपी में 1 को एनआईए ने पकड़ा। 15 राज्यों में 150 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद पीएफआई तिलमिलाया, केरल में सुबह 6 बजे से हड़ताल। पीएफआई ने छापेमारी का किया विरोध, केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ बयान, सरकार पर भी साधा निशाना। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और फंडिंग का आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रचने का इल्जाम। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से गिरफ्तार पीएफआई नेता और कार्यकर्ताओं की पेशी, 26 सितंबर तक कस्टडी। पीएफआई के समर्थन में आए संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान, कहा वो एक संस्था चला रहे हैं, उनका क्या गुनाह है। अगर वो ये बताइए कि मुल्क के खिलाफ क्या काम कर रही है, मुल्क के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रही, ये गलत है। तो हरज करना चाहते हैं, उस पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर वो ये बताइए कि मुल्क के खिलाफ क्या काम कर रही है। जमात इस्लामी ने पीएफआई का किया समर्थन, कहा संगठन को निशाना बनाकर एनआईए की कार्रवाई से कई सवाल उठ रहे हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जान दानशी काउंसिल ने एनआईए की कार्रवाई का किया समर्थन, कहा पीएफआई जैसे संगठनों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का पीएफआई प्रमुख अब्दुल करीब भी एनआईए की गिरफ्त में, परिजनों का दावा वो अभी कहां कोई जानकारी नहीं। हुबली में पीएफआई और एसडीपीआई समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, एनआईए के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में राज्य पीएफआई के मुख्य सचिव मिराज अंसारी को एटीएस ने किया गिरफ्तार, समर्थकों ने विरोध में लगाए नारे। नांदेड़ में गिरफ्तार 5 पीएफआई सदस्यों की कोर्ट में पेशी, 8 दिन की पुलिस हिरासत। दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही बारिश से बदतर हुए हालात, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। राजधानी कई इलाकों में रात भर जारी रहा बारिश का दौर, कई इलाकों में घुटने तक पानी, मूसलाधार बारिश से समंदर बना दिल्ली एनसीआर, सड़क पर समंदर जैसे हालात, डूबी दिखी गाड़ियां। दिल्ली में सबसे ज्यादा पालम इलाके में बारिश, रात 8:30 बजे तक करीब 81 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज। लगातार बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में जल भराव से गहराया संकट, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर पानी भरा, ट्रैफिक हुआ ठप, दिखी गाड़ियों की लंबी कतार, कई घंटे तक दिल्ली के जाम में फंसे रहे यात्री, देर रात तक बढ़ गई आफत। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में बुरा हाल, बीती रात दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर 5 किलोमीटर तक दिखा लंबा जाम, जल जमाव की वजह से गुरुग्राम के हर हिस्से में जनजीवन ठप, ट्रैफिक की रफ्तार पे लगा है ब्रेक। गुरुवार से लगातार बारिश के बाद गुरुग्राम में बिगड़े हालात, दिल्ली हाईवे पर समंदर जैसे हालात। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर कमर तक भरा पानी, बेबस नजर आए मुसाफिर, हाईवे पर जल जमाव में फंस गई गाड़ियां, जैसे तैसे निकालने के लिए मशक्कत करते दिखाई दिए लोग। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट पर, निजी दफ्तर को सुझाव, वर्क फ्रॉम होम के लिए स्टाफ को कहें, स्कूलों में छुट्टी की गई। नोएडा में बारिश का दौर जारी, आज भारी बारिश की चेतावनी, बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। बीती रात भारी बारिश की वजह से नोएडा में बिगड़े हालात, सड़क पर सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। अलीगढ़ में झमाझम बारिश, डीएम ने स्कूल में 2 दिन की छुट्टी का किया ऐलान। आगरा में 2 दिन से मूसलाधार बारिश का कहर, कई घरों में घुसा पानी। फिरोजाबाद में लगातार बारिश से जनजीवन पर असर, आज वहां सभी स्कूलों में 8वीं तक की छुट्टी। यूपी के बांदा में आकाशीय बिजली गिरी, 2 लोगों की मौत। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बिगड़ रहे हालात। गुरुग्राम में नरसिंहपुर सर्विस लेन में भारी जल भराव, फंस गई कार, मुसाफिरों को हो रही परेशानी। नोएडा में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति, अंडरपास बने मुसीबत। भारी बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा में जल भराव का संकट, दुकानें बंद। मिशन 2024 के लिए अमित शाह आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर, सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज में कार्यक्रम।
पूर्णिया में दोपहर गृह मंत्री अमित शाह की रैली, शाम को किशनगंज में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। मुस्लिम बहुल इलाकों में अमित शाह के कार्यक्रम, किशनगंज में शनिवार को जनसभा को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री के दौरे पर सत्ताधारी पार्टी आरजेडी ने को नजर आई साजिश, तेजस्वी ने लगाए गंभीर आरोप। हम लोग बिहार की जनता 12-13 करोड़ आबादी है, हम लोग तो यही उम्मीद में बैठे हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों से वादा किया था बिहार को। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, लालू, नीतीश, तेजस्वी सब इस दौरे से हैं परेशान। गृह मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीसा देना पड़ेगा क्या? फिर वही भाषा। बीजेपी ने सीमांचल में बढ़ती मुस्लिम आबादी का मुद्दा उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने के लिए एनआरसी लागू करने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार सरकार पर आरोप, तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहा है महागठबंधन, बांग्लादेशी घुसपैठ जारी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, महागठबंधन सरकार सीमांचल क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को अपना वोट बैंक समझती है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया के बीच आज राहुल गांधी पहुंच रहे दिल्ली, आगे की रणनीति पर पार्टी नेताओं संग करेंगे चर्चा। कोच्चि में राहुल से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत का बयान, कोच्चि में राहुल से मुलाकात के बाद अध्यक्ष पद के लिए वो भरेंगे नामांकन पर्चा। खबरें आती आपने, नामांकन भरूंगा मैं, उसके बाद में प्रक्रिया होगी, चुनाव भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आने वाले वक्त में। शशि थरूर के बाद अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह भी कर सकते हैं दावेदारी, लड़ सकते हैं चुनाव, आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं को नहीं किया खारिज, कहा नामांकन की आखिरी तारीख तक करें इंतजार। उच्ची से आज लौटेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिरडी में साईं मंदिर जाकर लेंगे आशीर्वाद। राजस्थान के सभी विधायक 27 सितंबर को आ सकते हैं दिल्ली, सीएम पद के चेहरे को लेकर पार्टी आलाकमान को बता सकते हैं अपनी राय। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी ने जारी की अधिसूचना, 24 सितंबर से नामांकन दाखिला। दिल्ली के गेस्ट टीचर के पेमेंट में अनियमितता की शिकायत की होगी जांच, एलजीवी के सक्सेना ने दिए जांच के आदेश। बारामती पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बीजेपी कार्यकर्ता पर भड़की, फोटो लेने की गुहार पर जताई नाराजगी।